हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम सी एस मनीषा है। मैं स्वागत करती हूँ आप लोगों का आपके फेवरेट चैनल .com में, डॉक्टर ऑफ टैक्सेशन एंड कंप्लायंस। आज हम लोग बात करेंगे जीएसटी की, जानेंगे जीएसटी में कंपोजिशन की लिमिट क्या है। जैसे कि हम लोग जानते हैं, गवर्नमेंट इतनी सारी नोटिफिकेशन लेके आती रहती है। तो हाल ही में गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन लाया है जो कि 7 मार्च 2019 का है, जिसमें गवर्नमेंट ने बताया है कि कंपोजिशन की लिमिट क्या होगी, कितने लिमिट में अगर आप फॉल करते हो तो आप कंपोजिशन स्कीम के लिए एलिजिबल हो। और स्टेट भी स्पेसिफाई किया गया है कि कौन से स्टेट के लिए क्या रहेगा लिमिट। सो इससे पहले कि मैं ये वीडियो स्टार्ट करूँ, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जब सब्सक्राइब करें तो बेल आइकन को जरूर क्लिक करें, लाइक करें, कमेंट करें कैसा लगा आपको मेरा वीडियो। मैं कोशिश करूँगी यूँ ही जीएसटी इनकम टैक्स कंपनी एक्ट से रिलेटेड वीडियोज अपडेट आपके लिए लाती रहूँ। सो नोटिफिकेशन नंबर 14/2019 डेटेड 7 मार्च 2019। The central government on the recommendation of council hereby specified that an eligible registered person whose aggregate turnover in the preceding financial year did not exceed 1.5 crore rupees may opt to pay in lieu of the tax payable by him under section 9 subsection 1 of the said act an amount of tax as prescribed under rule 7 of the CGST रूल्स 2017। सी जी एस टी रूल्स 2017 में जो रूल 7 है वो कंपोजिशन स्कीम के बारे में बात करता है। जैसे कि मैं आपको दिखाती हूँ, सो ये है सी जी एस टी रूल का रूल 7 जो बताता है रेट ऑफ टैक्स क्या होगा अगर आप कंपोजिशन स्कीम में जाते हो। तो अगर आप मैन्युफैक्चर हो, अगर आप सप्लायर मेकिंग सप्लाईज जो शेड्यूल 2 में है, या एनी अदर सप्लाई एलिजिबल फॉर कंपोजिशन स्कीम अंडर सेक्शन 10 एंड द प्रोविजन ऑफ दिस चैप्टर, यानी मैन्युफैक्चर के लिए क्या होगा जो शेड्यूल 2 की सप्लाई, जो कैटेगरी शेड्यूल 2 में बताया गया सप्लाई अगर वो कर रहे हो तो। सो बेसिकली रूल 7 जो है वो कंपोजिशन स्कीम के बारे में बताता है। सो गवर्नमेंट ने कहा है कि आपको कंपोजिशन स्कीम मिलेगा अगर आप जीएसटी में एलिजिबल रजिस्टर्ड पर्सन हो, यानी रजिस्टर्ड होने के लिए एलिजिबल हो, साथ ही में आपका टर्नओवर जो है वो 1.5 करोड़ से ज़्यादा ना हो, यानी आप दोनों कैटेगरी को सेटिस्फाई कर देते हो कि आप एलिजिबल रजिस्टर्ड पर्सन हो, जीएसटी में रजिस्टर्ड होने के लिए एलिजिबल हो, साथ ही साथ आपका एग्रीगेट टर्नओवर भी लिमिट क्रॉस नहीं कर रहा 1.5 करोड़ का, तो आप कंपोजिशन स्कीम में जा सकते हो। साथ में ये भी कहा गया है कुछ स्टेट, स्पेशली नॉर्थ ईस्ट के कुछ स्टेट ऐसे हैं जहाँ पर 75 लाख का ये लिमिट होगा, जहाँ नॉर्मली 1.5 करोड़ का लिमिट है कंपोजिशन स्कीम के लिए, यानी 1.5 करोड़ से अगर आपका क्रॉस नहीं होता एग्रीगेट टर्नओवर आप जा सकते हो कंपोजिशन के लिए। वहीं कुछ नॉर्थ ईस्ट के स्टेट बताए गए हैं जहाँ पर 75 लिमिट रहेगा, अगर वहाँ से उस लिमिट के अंदर है तो ही आप कंपोजिशन स्कीम के लिए एलिजिबल हो, यानी 75 लाख या उसके अंदर होगा तो एलिजिबल हो, क्रॉस होते ही आप कंपोजिशन स्कीम में नहीं रह सकते, आपको रेगुलर वाली स्कीम में रहना पड़ेगा। सो प्रोवाइडेड एट द सेट एग्रीगेट टर्न ओवर इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर शैल बी 75 लाख रुपीज़ इन द केस ऑफ एन एलिजिबल रजिस्टर्ड पर्सन रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 25 ऑफ द सेट एक्ट इन एनी ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। सो ये सब स्टेट का नाम दिया गया है, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, उत्तराखंड। सो अगर इस स्टेट में फॉल करते हो तो अगर आपकी एग्रीगेट टर्न ओवर, आप एलिजिबल हो रजिस्टर्ड के रजिस्ट्रेशन के लिए जीएसटी में, और आपकी एग्रीगेट टर्न ओवर जो है वो 75 लाख रुपीज़ से ज़्यादा नहीं है इन स्टेट में, तो आप जीएसटी में कंपोजिशन स्कीम के लिए ले सकते हो। प्रोवाइडेड फर्दर दैट द रजिस्टर्ड पर्सन शैल नॉट बी एलिजिबल टू ऑप्ट फॉर कंपोजिशन स्कीम लीवी अंडर सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 10 ऑफ द सेड एक्ट इफ सच पर्सन इज अ मैन्युफैक्चरर ऑफ द गुड द डिस्क्रिप्शन ऑफ विच इज स्पेसिफाइड इन टेबल 3 बिलो एंड फॉलिंग अंडर द टैरिफ आइटम। यानी ये जो आप देख रहे हो बॉक्स, इसमें नाम बताया गया है आइसक्रीम एंड अदर एडिबल आइस वेदर और नॉट कंटेनिंग कोको, पान मसाला, ऑल गुड दैट इज टबैको एंड मैनुफैक्चर टबैको सब्सटीट्यूट इन टबैको से रिलेटेड प्रोडक्ट। अगर इन चीज़ों की आप मैनुफैक्चरिंग करते हो तो आप कंपोजिशन स्कीम में नहीं आ सकते हैं, भले ही कुछ भी आपका टर्न ओवर क्यों ना हो। आप बोलोगे कि नहीं मेरा 1.5 करोड़ से कम टर्न ओवर है, तब पर भी आप नहीं ले सकते। अब बोलो कि मैं नॉर्थ ईस्ट में रहता हूँ और मेरा 75 लाख रुपीज़ से कम टर्नओवर है, मैं कंपोजिशन में आ सकता हूँ? नहीं, अगर आप ये चीज़ मैन्युफैक्चर कर रहे हो तो गवर्नमेंट आपको कंपोजिशन स्कीम नहीं दे रही है। अच्छा, ये नोटिफिकेशन कब से एप्लीकेबल हो जाएगा? ये नोटिफिकेशन स्कीम एप्लीकेबल हो जाएगा 1 अप्रैल 2019 से, इसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। सो दिस इज सी एस मनीषा साइनिंग ऑफ, थैंक यू, बाय।